राधे राधे जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन फूड रेसिपी में। आज मैंने ये कुंदरू की सब्ज़ी बनाई है और ये हरी सब्जी है। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए, आपको भी पसंद आएगी। ये मैंने कैसे बनाई है चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम कुंदरू ली हैं, धो के ले ली थी मैंने ये। और मैंने ये 250 ग्राम कुंदरू है, दो प्याज है, दो टमाटर है, दो तीन हरी मिर्च ली हैं। अब इन्हें हम काट लेते हैं। आप पीस अपने हिसाब से, छोटे बड़े आपको जैसे काटने हैं वैसे काटिएगा। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इस तरह से मैं अपनी सारी कुंदरू काट लूँगी और ये मेरी कुंदरू और प्याज टमाटर हरी मिर्च सब कट चुके हैं। आप चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, इसमें डालते हैं सरसों का तेल। तेल को होने देते हैं गरम। तेल गरम हो गया तो इसमें हमने जीरा और हींग डाला है। अभी मैं यहाँ पे इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को 2 या 3 मिनट के लिए इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज मेरी भुन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे कुंदरू डालेंगे। और हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर है और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करके फिर इसे ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, हरी सब्ज़ी में पानी नहीं डालते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं मेरे, तब एक बार इसे चेक करके देखते हैं। अभी थोड़ी सी कच्ची है सब्ज़ी तो इसे और एक बार ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं और देख लीजिए आप, सब्ज़ी ने अपना कलर चेंज कर दिया है। और इसे चेक भी कर लेते हैं ये पकी हैं या नहीं। ये पक चुकी हैं, कट सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। आप इस तरह से एक बार सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखिए। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, रेडी है बनकर।